एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है बुधवार और अभी है सुबह का 8। मैं अभी तक बेड पे ही हूँ, बहुत देर उठी थी, उठ के थोड़ी देर योगा किया, फिर थोड़ा सा रील बनाया, थोड़े से दोस्तों की मैंने वीडियो देखे हैं। अब मैं जाऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी और इसके बाद किचन एंट्री करूँगी, चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद सारा काम स्टार्ट। और यहाँ पर पुचकू जो है बहुत देर से परेशान है, उसको बाहर जाना है। बाहर बहुत तेजों से हवा आ रही है, बहुत तेजी से हवा चल रही है, पर उसको जाना है बाहर। तो सामने वाले घर में ना बर्थडे पार्टी हो रही है, मतलब बर्थडे आज शाम को बर्थडे होगा शायद, तो इसीलिए वो लोग वो लाए हैं, गोट लेके आए हैं, तो उसको काटेंगे, कुछ करेंगे, तो उसको देख के अभी उसके पास इसको जाना है। और कल गई थी मैं मम्मी से मिलने, गई थी मतलब हॉस्पिटल, मम्मी आई थी टेस्ट करवाने अपना, और मैं जाते जाते ना वो चली भी गई। मम्मी का क्या हुआ, कल ना एंडोस्कोप कराया गया था, रिपोर्ट मेरे मुझे अभी तक पता नहीं है, जैसे मुझे पता चलता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड, हर रोज़ मैं जगती हूँ नई उमंग के साथ, हंसी खुशी नींद से जगती हूँ और आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग भी करती हूँ। पर क्या होता है ना, धीरे धीरे करके मुझ में सारी सैडनेस छा जाती है, और ये सैडनेस की वजह भी आप लोगों को पता ही होगा कि मम्मी बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है। जिस मम्मी को मैंने हमेशा एक्टिव देखा, और वो मम्मी अभी एकदम इतनी बीमार पड़ गई है ना, तो ये मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं कि वो इतनी बीमार है। तो सुबह मैं उठी थी तो तब हंसी खुशी थी कि चलो एक रिपोर्ट तो ठीक है, उतनी वो नहीं है, धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैंने हस्बैंड को कहा कि आप एक काम करो, भैया को कॉल करके पूछो कि डॉक्टर से उनने बात की कि नहीं। तो हस्बैंड कॉल किए थे, पर भैया रोड पे थे, मतलब रास्ते पे थे, भैया घर से निकल गए थे ऑफिस के लिए, तो ना भैया रिसीव नहीं कर पाए थे। तो जैसे भैया ऑफिस निकल गए, पहुँचे, और भैया फिर वापस कॉल किए और कहा कि अभी तो डॉक्टर से बात नहीं हुई, जब बात हो जाएगी तब आप लोगों को सब कुछ बता देंगे। तो वही वेट में थी कि कब बताएंगे कब बताएंगे। तो भैया का कॉल फिर से आया, तो भैया बोलने लगे, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे, तो मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गई। मैं क्या, और ना मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, मैं ना इतनी आसानी से मैं रोती नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बात से वो इमोशन हो जाती हूँ, पता नहीं। फिर भी मैं सोचती हूँ अगर मैं अगर टूट गई तो मुझे देख के सारे लोग टूट जाएंगे, तो इसीलिए ना मैं किसी के सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं करती हूँ। जो भी होता है मैं अकेले में करती, अकेले में रो लेती हूँ, अकेले में अपना फीलिंग को, अपने आप को समझ लेती हूँ, लेकिन किसी के सामने मैं वो नहीं होती हूँ। तो भैया मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे कि रिपोर्ट दिखाया डॉक्टर को और भैया ये बातें बोलने लगे, और अंदर से मतलब मैं ऐसे टूट गई, क्या बताऊँ। तो भैया बोल रहे थे कि एक रिपोर्ट तो जो कल एंडोस्कोपी उनको करवाया था, तो उसमें क्या हुआ ना, डॉक्टर ने बोला कि उनको जो गले से पाइप और कैमरा के थ्रू देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उनको अंदर ना छाले पड़े थे, मतलब जो पाइप होता है ना उसमें छाले 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 जैसे पड़े थे, तो ये जो है गैस की वजह होती है। तो गैस की वजह से उन्होंने जो हार्ट उनका लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था, स्टंट बिठाए थे, तो वो जो दवाई ले रही है उस वजह से उनको गैस फॉर्म हो रहा था, तो उसी लिए उनको छाले पड़े थे। तो ठीक है, पर इस वजह से उनको ब्लड जो लॉस हो रही है ये इसकी रीज़न नहीं है। तो इसकी रीज़न क्या है, तो उसको टेस्ट करने के लिए, पता करवाने के लिए, तो उनको क्रोमोस्कोपी ज़रूर करवाना है। क्रोमोस्कोपी जो है बहुत डेंजर चीज़ है ये, मतलब मैं सोचती हूँ बहुत डेंजर चीज़ है, क्योंकि भैया जैसे बताए थे, मुझे इतना तो पता नहीं है, भैया बोल रहे थे कि
क्रोमोस्कोपी जो है उनको एनेस्थीसिया डाल के देकर करवाना है, उनको सेंसलेस करना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एंडोस्कोपी में एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसमें क्यों ये एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ेगी? और मम्मी हार्ट पेशेंट है, तो मम्मी क्या ये सहन कर पाएगी? तो मुझे इस बात का बहुत वो हो गया था, मुझे एकदम से आंसू आ गई थी कि पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाई देना है, डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दिए हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई से उनको मोशन होगा बहुत बार, मतलब पेट उनका जो है पूरा खाली करवाएंगे, साफ करवाएंगे, उसके बाद ही उनको जो है पाइप अंदर डाल के देखेंगे कि ब्लड जो उनको इतना लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है। 2 बोतल चढ़वाए हैं ब्लड, फिर से वो ब्लड भी लॉस ना हो, इसीलिए उनको फिर से ये टेस्ट ज़रूरी है करवाना। और पता नहीं, सारा कुछ तो भैया को पता है आगे की चीज़, और मुझे सारा कुछ बताया भी नहीं है, बस इतना ही बताए थे। और पहले उनका जो टेस्ट होगा वो तो 5 बजे होगी, मतलब थर्सडे के दिन 5 बजे होगी, और उनको 2:30 बजे ले जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि उनका जो है ब्लड टेस्ट करवाना है, और साथ ही साथ उनको ECG भी करवाना है, क्योंकि उनका हार्ट का जो वो है हार्ट बीट है उस वो भी चेक करवाना है, तो वो भी सब देखेंगे। तो इस सब वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, टेंशन में हूँ। भगवान को सुबह से बस बोल रही हूँ कि, और जो भी मिल रहा है ना वो उनको भी मैं बोल रही हूँ कि सब लोग आप लोग प्रे करो कि अगर मेरी बात ना सुने भगवान, कम से कम आपकी बात तो सुन ही लेंगे। तो यही बात है, आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, आप लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, आप लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ करेंगे, भगवान आपकी मम्मी को भी हमेशा अच्छे हंसी खुशी रखेंगे। तो बस यही है, क्या बोलूँ मम्मी, अगर मम्मी को कुछ मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा कुछ, लेकिन मम्मी को भगवान जल्दी से ठीक कर दे, बस यही है। और मम्मी से भी ना मैं ज़्यादा कॉल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बार बार कॉल करूँगी वही सवाल पूछूँगी, क्या पूछूँगी नहीं पूछूँगी, फिर मुझे मैं अगर मैं मेरी गले की आवाज़ अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ा गई ना, मम्मी पकड़ लेती है, क्या हुआ क्या हुआ पूछती रहती है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा कॉल नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ बच्चों को, बोलती हूँ कि एक बार नानी को कॉल करो, इसको बोलती हूँ नानी को कॉल करो, दोनों बच्चों को बोलती रहती हूँ, पर मैं बार बार नहीं करती हूँ। तो यही सब आप लोगों के साथ शेयर करना था, पता नहीं क्या होगा कल, आप लोग दुआ करना कि मेरे मम्मी का सब कुछ ठीक हो और सब कुछ सही से हो जाए, बस दुआ करना आप लोग। और आज का वीडियो इतना ही, मैं ना टिफ़िन भी नहीं बनाई थी, मतलब इतनी वो थी ना सुबह से, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया था, तो हस्बैंड बोले कि बाहर से ले आते हैं, कोई बात नहीं कभी कभी लेके आना ज़रूरी है। तो हस्बैंड को जैसे ही हस्बैंड ने कहा तो मैंने कहा ठीक है ले आओ, तो हस्बैंड बाहर ही से लेके आए थे, तो मैं झाड़ू लगा रही थी तो वेट कर रहे थे, जैसे झाड़ू लगाया उसके बाद हस्बैंड खाए, फिर लल्ला तो तभी तभी उठाता, उसने दूध पिया तो वो थोड़ी देर बाद खाएगा, मैंने खा लिया और बबलू भी खा लिया है। तो ये ब्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ, क्योंकि मैं आगे और कोई वीडियो नहीं बनाया, मुझे दिल ही नहीं हो रहा था। और एक बात बोलूँ, मैं जो वीडियो शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ ये जो है पहले की है, मतलब मुझे तब मतलब पहले की है, वही सब इंस्टा से लेकर इसमें डाल रही हूँ, यूट्यूब में डाल रही हूँ, अभी तो नहीं बनाया, अभी मूड नहीं है बनाने का। और आप लोगों का वीडियो भी मैं देखती हूँ, आप लोग भी ज़रूर देखना वीडियो, क्योंकि एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर ही हमको आगे बढ़ना है, आप लोग भी मेरी ताकत है। थैंक यू, टाटा बाय बाय।